हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे जीपर्स क्रीपर्स सीरीज के तीसरे पार्ट को, जिसका नाम है जीपर्स क्रीपर्स 3 और इसे रिलीज किया गया था 2017 में। अगर आपने पिछले दो पार्ट्स की वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो पहले उन्हें जरूर देख लें। और दोस्तों, मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि इस मूवी की कहानी पार्ट 1 और पार्ट 3 के बीच में जो 3 दिनों का गैप था उसी में सेट है। तो अब चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पार्ट 1 खत्म हुआ था। क्रीपर ट्रिशा के भाई डेरी को उठा ले जाता है और मार देता है। अगली सुबह तक कई सारे पुलिस वाले इस जगह पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि क्रीपर का जो ट्रक है वो अभी भी स्टेशन के बाहर ही खड़ा है। एक पुलिस वाला ट्रक का दरवाजा खोलता है और ये देखते हैं कि उसके अंदर कई सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और ये ट्रक ट्रैप्स से भरा हुआ था। तो जैसे ही एक ऑफिसर अपनी मुंडी अंदर डालता है, ट्रक में से कुछ स्पाइक्स निकल कर आते हैं जिसमें उस ऑफिसर का हाथ कट जाता है। अब यहाँ पर शेरिफ डेन आता है जिसके साथ क्रीपर को मारने के लिए कुछ हंटर्स थे। असल में 23 साल पहले जब क्रीपर जागा था तब डेन को क्रीपर के बारे में पता चला था। वो ऑफिसर डेविस को भी क्रीपर के बारे में सब कुछ बताते हैं कि ये क्रीचर हर 23 सालों में 23 दिनों के लिए जागता है और ये भी कि क्रीपर काफी चालाक है, वो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता और इस ट्रक को लेने भी वो जरूर आएगा। लेकिन तब तक इन्हें पता चलता है कि दो ऑफिसर उस ट्रक को टो करके पुलिस कंपाउंड ले जाने के लिए निकल पड़े हैं। इधर क्रीपर उड़ते हुए उस टो ट्रक पे आता है और अपने ट्रक की जंजीर काट कर उसे लेकर चला जाता है। दोनों ऑफिसर क्रीपर को देखकर शॉक में थे और फिर थोड़ी देर बाद ही वो क्रीपर एक ऑफिसर पे अटैक करने आता है। दूसरी ऑफिसर उस पर गोली चलाने का सोचती है लेकिन क्रीपर उसे इशारा करके डरा देता है और फिर उस ऑफिसर को लेकर उड़ जाता है। अब ठीक अगले दिन हम एक बूढ़ी औरत गेलेन को देखते हैं जिसे अपने मरे हुए बेटे केनी का एक विजन आता है। केनी को 23 साल पहले क्रीपर ने मार दिया था लेकिन मौत से पहले केनी को क्रीपर का एक कटा हुआ हाथ मिला था जिसे केनी ने अपने फार्म के गार्डन में ही कहीं दफना दिया था। केनी गेलेन से कहता है कि वो क्रीपर का हाथ ढूंढ कर उसे तबाह कर दे क्योंकि क्रीपर उस हाथ को लेने यहाँ जरूर आएगा और गेलेन और उसकी पोती एडिसन को भी मार देगा। ये लोग इतने गरीब है कि एडिसन के पास अपने घोड़े को घास खिलाने के भी पैसे नहीं है। एडिसन जिस जगह चारा लेने जाती है उसके मालिक का बेटा बड़ी एडिसन पर लट्टू है तो वो फोकट में ही उसे चारा दे देता है और एडिसन भी उसके साथ चारे की डिलीवरी करने निकल पड़ती है। खैर, इधर डेन ने हंटर्स की टीम बुलाई थी। ये वो सभी लोग हैं जिनके किसी न किसी अपने को क्रीपर ने 23 साल पहले मारा था। इनका लीडर माइकल नाम का एक लड़का है जिसकी आंखों के सामने क्रीपर ने उसके बाप को मारा था और अब माइकल उसी का बदला लेना चाहता था और वो क्रीपर को खत्म करने के लिए एक बड़ी सी मशीन गन लेकर आया था जो कि 1 मिनट में 600 राउंड फायर कर सकती है। इसके बाद हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो कि बाइक्स चलाने निकले थे। जंगल के बीच में इन्हें क्रीपर का ट्रक दिखाई देता है जिसकी ये उंगली करने लगते हैं। एक लड़का ट्रक की विंडो पे पत्थर मारता है तो वो बाउंस होकर उसी के सर में लग जाता है और एक लड़का ट्रक पे मूत देता है। आखिर में कर्क नाम का लड़का ट्रक का डोर खोलता है और उसमें पड़ी लाशें देखकर सभी डर जाते हैं। कर्क भी स्पाइक वाले ट्रैप से मरते मरते बचता है और तुरंत ही ये सब यहाँ से भागने लगते हैं। तभी ट्रक के नीचे लगी एक पाइप में से एक स्पीयर शूट होता है जो कि सीधा कर्क की टांग में जाकर लगता है। कर्क के दोस्त स्पीयर को टांग से निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो स्पीयर एक लोहे के तार से बंधा हुआ था जो कि वापस ट्रक के अंदर जाने लगता है। अब कर्क का एक दोस्त कहता है कि भाड़ में जाओ और वो अकेले ही अपनी बाइक पर बैठकर यहां से खिसक लेता है। बाकी 2 दोस्त कर्क की हेल्प करने रुकते हैं बट तभी क्रीपर एक डेड बॉडी लेकर वापस लौट आता है। उसे देखकर बाकी दोनों लड़के भी भागते हैं लेकिन क्रीपर का निशाना इतना अच्छा था कि एक ही भाले में वो दोनों को मार देता है। फिर वो देखता है कि उसके ट्रक पे किसी ने मूता है। ये काम उसी लड़के ने किया था जो सबसे पहले भाग गया था। तो क्रीपर उड़ते हुए जाता है और उस लड़के को ढूंढकर उसे भी मार देता है। इधर एडिसन की दादी गार्डन खोदकर उस क्रीपर के हाथ को बाहर निकाल लेती है जो कि अभी भी हिल रहा था। गेलेन उसे छूती है तो वो हाथ गेलेन को हवा में उठा देता है और गेलेन को क्रीपर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। इधर एडिसन और बड़ी जब एक प्लांटेशन फार्म पर डिलीवरी करने पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां के सभी वर्कर्स और ओनर गाड़ियों के नीचे छुपे हुए थे। ओनर उन दोनों को भी छुपे रहने का इशारा करता है क्योंकि क्रीपर यहां मंडरा रहा था।
क्रीपर इन दोनों को देखकर इनके पास आता है और सुनकर उसे पता चलता है कि एडिसन ज्यादा डरी हुई है, तो वो एडिसन को अपने साथ उड़ा ले जाता है और बड़ी बस ये सोचता रह जाता है कि चारा फ्री देने का कोई फायदा नहीं हुआ। क्रीपर एडिसन को कपड़े में लपेटकर अपने ट्रक में पटक देता है और दूसरा शिकार करने उड़ जाता है, जबकि एडिसन और बाइक वाला कर्क दोनों ही अब तक जिंदा थे। यहाँ टंगे हथियारों की मदद से दोनों आजाद होते हैं और कर्क एडिसन को चेतावनी देता है कि यह पूरा ट्रक एक डेथ ट्रैप है। इसके बाद खुद गधों की तरह मेन डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे एक मेटल रोड सीधा कर्क के हेड में आकर घुसती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और क्रीपर को आता हुआ देख एडिसन वापस चद्दर ओढ़ के सो जाती है। इधर डेन अपनी सारी पलटन के साथ गेलेन के फार्म पहुंचता है, क्योंकि उसे क्रीपर के कटे हुए हाथ के बारे में पता था। डेन भी क्रीपर के हाथ को छूना चाहता था ताकि उन्हें पता चल सके कि क्रीपर क्या है, कहां से आया है और उसे कैसे मारा जाए। डेन उस हाथ को छूता है और उसे भी दौरे पड़ने लगते हैं और क्रीपर के बारे में उसे बहुत कुछ पता चलता है, लेकिन वो भी गेलेन की तरह किसी को कुछ नहीं बताता। इसके बाद इन्हें रेडियो से खबर मिलती है कि क्रीपर के ट्रक को हाईवे पर जाते देखा गया है। डेन और हंटर्स दोनों तरफ से उस ट्रक को घेरने का प्लान बनाते हैं। डेन और डेविस एक गाड़ी में ट्रक के पीछे से जाते हैं और डेविस ट्रक के टायर को पंक्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन गोलियां टायर से बाउंस होकर इनकी गाड़ी पर ही लग रही थी। ये लोग समझ जाते हैं कि ट्रक पर वो जो भी हमला करेंगे वो पलट कर उन्हें ही लगेगा। ट्रक में से एक छोटा बॉम्ब लड़कते हुए इनकी तरफ आता है, जिससे ये बच जाते हैं और बॉम्ब पीछे जाकर फटता है। अब आगे से माइकल अपनी मशीन गन के साथ आ रहा था। डेन उसे बताने की कोशिश करता है कि वो लोग ट्रक पर गोलियां ना चलाएं, लेकिन माइकल उनकी एक नहीं सुनता और मशीन गन से ट्रक को शूट करने लगता है। सारी गोलियां बाउंस होकर वापस आती है, जिसमें माइकल भी मारा जाता है। अब क्रीपर और बॉम्ब गिराता है, जिसके धमाके से डेन का ट्रक पलट जाता है और दोनों जंगल में जा गिरते हैं। इसके बाद डेविस क्रीपर पर गोलियां चलाकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है ताकि डेन यहां से भाग जाए। उसकी गोलियों से ज्यादा कुछ तो नहीं होता, पर क्रीपर की टोपी गिर जाती है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है। वो डेविस के पास जाकर उसे कुल्हाड़ी से मारने ही वाला था कि दूसरी तरफ से डेन चिल्लाने लगता है। डेन उस मशीन गन वाले ट्रक पर चढ़कर उस गन को रेडी कर रहा था और जैसे ही क्रीपर उड़ते हुए उसके पास आता है, डेन उसे गोलियों से छल्ली कर देता है, जिससे क्रीपर के शरीर में कई सारे छेद हो जाते हैं, लेकिन उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो डेन के ऊपर गिर के उसे मार देता है। और ये देखकर डेविस चुपचाप जंगल में भाग जाता है। क्रीपर जब वापस अपने ट्रक में आता है तो उसे किसी के जिंदा होने की खुशबू आती है और इससे एडिसन पकड़ी जाती है। क्रीपर एडिसन पर अटैक करने लगता है, लेकिन एडिसन उसी ट्रैप को ट्रिगर कर देती है जिससे कर्क मरा था, और इस बार वो मेटल रोड क्रीपर के हेड में आकर घुसती है, जिससे उसकी एक आंख निकल जाती है। फिर एडिसन ट्रक में से निकलकर भागने लगती है। क्रीपर उस पे भाला फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन एक आंख फूटी होने के कारण उसका निशाना चूक जाता है। इसके बाद क्रीपर अपनी कुल्हाड़ी लेकर एडिसन के पीछे जाता है, लेकिन अचानक ही एक रेंडम ट्रक आकर क्रीपर को टक्कर मार देता है और एडिसन यहाँ से भाग निकलती है। फिर क्रीपर जब अपने ट्रक को लेकर एडिसन के फार्म में पहुँचता है, तब तक बड़ी एडिसन और उसकी दादी दोनों को लेकर यहाँ से जा चुका था। क्रीपर को अपना हाथ एक बोर्ड के ऊपर रखा मिलता है, जिस पे लिखा था कि हम जानते हैं तुम क्या हो। क्रीपर अपने कटे हुए हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है। अगले दिन बड़ी एडिसन को गुड बाय बोलकर एक बास्केटबॉल गेम खेलने निकल जाता है और उसे लेने एक हाई स्कूल बस आई होती है। और हाँ दोस्तों, ये वही बस है जिस पर पार्ट 2 में क्रीपर ने अटैक किया था, लेकिन उस पार्ट में हमें बड़ी कहीं नहीं दिखा था, क्योंकि बड़ी बस में गया तो था लेकिन गेम एंड होने के बाद वो वहीं अपने रिलेटिव्स के यहाँ रुक गया था। और जो लोग बस में वापस लौटे थे उनके साथ क्या हुआ, ये तो हम पार्ट 2 में ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे जैक दबंग स्टाइल में एंट्री मारकर क्रीपर की हालत खराब कर देता है। और फिर 23 सालों के बाद भी क्रीपर जैक के फार्म पर टंगा हुआ है और जैक उसके वापस जागने के इंतजार में है। इसी समय दूसरी तरफ हमें केमियो देखने को मिलता है डेरी की बहन ट्रिशा का, जो खुद भी 23 सालों से क्रीपर के जागने का इंतजार कर रही है
और वो कसम खाती है कि वो क्रीपर को मारकर अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेगी और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों मैं तो ये कहानी देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हूँ, जिसमें 23 साल बाद क्रीपर जागता है और जैक और ट्रिशा मिलकर उसे हंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बुरी खबर ये है कि ये कहानी हमें देखने को नहीं मिलेगी। उसका रीजन है कि जीपर्स क्रीपर सीरीज को बनाने वाला जो आदमी है विक्टर साल्वा, वो असल जिंदगी में घटिया इंसान है और उसे 1992 में चाइल्ड मोलेस्टेशन और भी कुछ घिनौने कामों के लिए सजा हुई थी। इसीलिए अब कोई भी विक्टर की बनाई हुई मूवी नहीं देखना चाहता। अच्छी खबर ये है कि सीरीज का एक चौथा पार्ट जीपर्स क्रीपर्स रिबोर्न इसी साल सितंबर में रिलीज किया जाएगा और विक्टर साल्वा का इस पार्ट से कोई भी लेना देना नहीं होगा, यानी कि इस मूवी का पिछले तीनों पार्ट से भी कोई लेना देना नहीं है और ये मूवी एक अलग ही ट्रायोलॉजी को सेट करेगी। पार्ट 4 जब भी आएगा मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। खैर तो दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं। मेरे हिसाब से तो इस सीरीज में काफी पोटेंशियल था। अगर विक्टर एक घटिया इंसान ना होता तो इस सीरीज में अब तक 8-10 पार्ट्स बन चुके होते और क्रीपर का नाम भी हॉरर लेजेंड्स जैसे माइकल, जेसन, फ्रेडी और चकी में शामिल होता। खैर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि अब मुझे और कौन सी सीरीज को एक्सप्लेन करना चाहिए। और मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।